नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग फिर से बात करेंगे अरविंद केजरीवाल उर्फ गिरगिटानंद के बारे में। गिरगिट ने अपनी बार रंग बदला तो 45 करोड़ का बंगला रिनोवेट करवाया। बंगले की कीमत 45 करोड़ नहीं है दोस्तों, बंगले को फिर से सुसज्जित किया गया, जिसको नाम दिया है टाइम्स नाउ ने अपने खुलासे में शीश महल। ये आम आदमी का शीश महल है, मतलब आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री का शीश महल है। सितंबर 2013 का वो समय याद करिए, जब इस गिरगिटानंद ने कहा था कि मेरी सरकार आएगी या हम सरकार में जाएंगे या हम सरकार बनाएंगे या हमारा कोई मंत्री बनेगा या हमारा कोई सांसद बनेगा या हमारा कोई विधायक बनेगा, तो हम उसको एक फ्लैट के कमरे में रखेंगे। जब शपथ ग्रहण करने गया तो इसका मंत्रिमंडल टेम्पो से, ऑटो रिक्शा से गया और ये खुद मेट्रो से चल करके गया। देखिए, कोई 45 करोड़ का बंगला अगर रिनोवेट कोई मुख्यमंत्री कराता है तो अमूमन ये कोई बड़ा इशू नहीं है। सामान्यतः सोचा जाए तो कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है या कोई भी है, नेता है, बंगला कोई केजरीवाल की पर्सनल संपत्ति नहीं है, सरकारी संपत्ति, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर आप इस बात पे वोट मांगते हैं कि इस देश के सारे नेता चोर हैं, सारे मुख्यमंत्री चोर हैं, सारे मंत्री चोर हैं, इनको इतने बड़े बड़े बंगलों की क्या जरूरत है, इनको महंगी गाड़ियों की क्या जरूरत है, ये तो दो कमरे के फ्लैट में भी रह सकते हैं, वहां से भी सरकार चल सकती है, तो ये सवाल उठना लाजमी है, ये सवाल उठना जरूरी है। अब हुआ क्या है, टाइम्स नाउ ने एक आरटीआई निकाला लगाया। आरटीआई में खुलासा हुआ कि अरविंद केजरीवाल के बंगले के रिनोवेशन पे 44 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च हुए हैं। जी हां मित्रों, अभी तक तो ये खबर आप लोगों ने गाहे बाहे कहीं ना कहीं से सुनी ली होगी, लेकिन 44 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च हुए उसके रेनोवेशन पे। और रेनोवेशन में हुआ क्या है, 8 पर्दे लगाए गए हैं उस घर के अंदर। उन 8 पर्दों की कीमत है 45,58,000 रुपए। पर्दे 45,58,000 के पर्दे इटालियन मार्बल फर्श पे लगाया गया है, जो 3,33,00,000 का है। और दीवारों पे जो कारीगरी की गई है वो 5 करोड़ रुपए की है दोस्तों। 90,00,000 के सोफा पे इस देश का, इस दिल्ली का एक सीएम जो अपने आप को विश्व का सर्वश्रेष्ठ सीएम कहता है वो बैठता है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे मुख्यमंत्री है तो ठीक है, तो कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बात यहां यह है कि दूसरे को गाली क्यों देते थे, क्यों कहते थे, लोगों को क्यों भ्रम में रखते थे। दिल्ली वालों को यही तो भरमा के तुमने सत्ता हासिल की, अदरवाइज तुमने कौन सा तीर मारा था। 370 पेज का शीला दीक्षित के खिलाफ सबूत थे इसके पास, अब उसी कांग्रेस के गोद में जाकर के बैठ करके गलबैया खेल रहा है ये नटवरलाल। एक ही बात नहीं है बंगले की, अभी तो शराब घोटाला है, डीटीसी का घोटाला है, पानी का घोटाला है, बिजली का घोटाला है। बिजली से याद आया दोस्तों, इसके पार्टी को लोग, अरे खुद देखते थे ना, खंभे पे चढ़ जाते थे, शीला दीक्षित की सरकार थी तो बिजली के तार जोड़ने के लिए, गरीब का बिजली क्यों काट दिया तुमने। इसलिए सवाल उठना लाजमी। मुझे इस मौज पे एक शेर याद आ रहा है कि जर्फ से बढ़कर हो इतना नहीं मांगा जाता, और प्यास लगती है तो दरिया नहीं मांगा जाता। जर्फ मतलब होता है औकात, औकात से बढ़कर हो इतना नहीं मांगा जाता, और प्यास लगती है तो दरिया नहीं मांगा जाता। मोफलर लपेट करके ये व्यक्ति क्या क्या कहता था, थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से, उसको चला देता हूं, 2-4 सेकंड का है। और आप व्यक्ति संसद में या विधानसभा में जाता है तो कोई लाल बत्ती की गाड़ी नहीं होनी चाहिए उसके पास, कोई बड़ा बंगला नहीं होना चाहिए उसके पास, वो एक कमरे के फ्लैट में रहे आम आदमी की तरह। मैं सरकार को बोलूंगा कि वो मेरे लिए कोई और इससे भी छोटे घर ढूंढने की कोशिश करे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के
सुन लिया होगा आपने, तीन कमरे का घर जब इसको पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली में खोज करके दिया था, तो कहा था कि मैं सरकार से कहूंगा, मैं उससे क्या बोलते हैं कि पीडब्ल्यूडी से कहूंगा कि इससे भी छोटा घर खोज करके दे। कितना छोटा घर, जरूरत होती है सीएम को, प्रधानमंत्री को एक बड़े घर की जरूरत होती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे विभागीय काम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे मिलने वाले आते हैं, अधिकारी आते हैं, कभी कभी घर पे ही कैबिनेट की मीटिंग भी हो जाती है। लेकिन इतना दिखावा क्यों, किस बात के लिए दिखावा क्यों, ये सवाल तो उठेगा ही, और सिर्फ सवाल बंगले का होता तो नहीं उठता। यह पैसा कब रिलीज किया गया है, यह पैसा कब लगा केजरीवाल के बंगले पे, जब इस देश भयंकर, देश क्या पूरा विश्व भयंकर बीमारी कोरोना से जूझ रहा था, जब लोग वेंटिलेटर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए, बेड के लिए इस देश में जूझ रहे थे, तब इसमें से 27 करोड़ रुपया कोरोना पीरियड में खर्च किया गया है। और याद रखिएगा एक चीज और, दिल्ली एमसीडी के कर्मचारियों को पैसा देने के लिए नहीं था, यह व्यक्ति बोलता था कि हमारे पास पैसा नहीं है दिल्ली कर्मचारियों को, दिल्ली एमसीडी के कर्मचारियों को देने के लिए, वो धरना देते थे, प्रदर्शन करते थे, फिर भी पैसा रिलीज नहीं करता था, और 45 करोड़ रुपया अपने बंगले पे लगवा रहा, वो भी बन नहीं रहा था, लग रहा था उसमें। भैया बताइए कि 45 लाख के पर्दे के बिना नहीं रख सकते थे केजरीवाल नटवरलाल, 3 करोड़ का इटालियन मार्बल लगाने की क्या जरूरत थी। और सुनिए, 45 लाख रुपए की तो अलमारी है इनके घर में, क्या करोगे भैया 45 लाख रुपए की अलमारी के लिए, और बाहर आकर के ढिढोरा पीटता है, जैसे लगता है कि 200 रुपए की शर्ट और 300 रुपए की पैंट पहना हुआ, 50 रुपए का गले में मफलर लगा करके ये पूरे दुनिया को, पूरे भारत को, पूरे दिल्ली को बेवकूफ बनाता रहता था कि जीत मैं तो बड़ा है, आम आदमी हूं जी। याद करिएगा, विदेशी डेलीगेट्स आए थे और ये चप्पल पहन करके गया था 15 अगस्त के दिन, इसको दिखाने गए थे तुम चप्पल की, क्या एक, एक एक दिल्ली जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है क्या, उसको सैलरी भी इतनी नहीं मिलती है क्यों, तब सवाल ये उठता है। आज तक किसी ने कहा कि एक फ्लैट के कमरे में मेरे मंत्री रहेंगे, किसी मुख्यमंत्री ने कहा हो तो फिर से उस पर भी सवाल किया जाएगा, लेकिन दुनिया को बताते हो कि हम बड़े साधारण रहते हैं और फिर करोड़ों अरबों के बंगले में भी रहते हो, रिनोवेशन के नाम पे 45 करोड़ रुपया, सोचिएगा कभी 45 करोड़ कितना होता है, रिनोवेशन के नाम पे खर्च कर देते हो, और उस पे से बेहयापना, जैसे इस बात का खुलासा हुआ, टाइम्स नाउ के चैनल पे चलना शुरू हुआ, तो राघव चड्ढा आए, राघव चड्ढा का जी वो इतने बड़े बंगले में रहते हैं शिवराज सिंह चौहान तो जी, योगी इतने बड़े बंगले में रहते हैं तो जी, प्रधानमंत्री उतने बड़े बंगले में रहते हैं, अरे तो किसी ने कहा थोड़ा ही न था यार कि हम एक कमरे में रहेंगे, 2 कमरे में रहेंगे, क्या जरूरत है, सब चोर है, सब भ्रष्ट है। एक बात, दूसरी बात कि आम आदमी पार्टी के जितने भी प्रवक्ता थे इसको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो डिफेंड नहीं कर पा रहे तो क्या कह रहे हैं जी, ये कोई केजरीवाल के नाम से थोड़ी ना बंगला हो गया था, ये तो सरकारी प्रॉपर्टी है जी, सरकारी संपत्ति है जी, तो हमने कब कहा कि जो 100 करोड़ रुपया केजरीवाल और केजरीवाल गैंग ने शराब में मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में लिया है वो केजरीवाल के पप्पा ने कमा के दिया था, वो भी तो सरकार का ही पैसा था, सरकारी पॉलिसी में ही, सरकार के राजस्व को ही खराब करके तुमने उनको लाभ पहुंचा करके वो पैसा कमाया। मतलब कि गुरु तुम करो तो सही, दूसरा करे तो गलत। अरे दूसरा करता भी है या नहीं भी करता है वो बात की बात है, कहता तो नहीं है तुम्हारे जैसे जी हम कट्टर ईमानदार। इसने देखिए ईमानदार शब्द आपने सुना होगा, पहली बार हम लोगों ने सुना कट्टर ईमानदार, ये कट्टर ईमानदार 2 कमरों से चल करके 45 करोड़ के रिनोवेशन तक पहुंच गया, और बेसर्विस के पार्टी का देखिए कि अभी भी वो इस पर डिफेंड कर रहे हैं कि जी वो अरविंद केजरीवाल का बदला थोड़ा ही नहीं, सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल का बंगला नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, मुझको लगता है बहुत जल्दी छिन जाना चाहिए, और उसमें प्रदर्शनी लगनी चाहिए कि देखो आम आदमी को बेवकूफ बना करके अरविंद केजरीवाल ने
करोड़ों करोड़ों का बंगला बनाया अपने रहने के लिए, ऐसो आराम और शानो शौकत के लिए बनाया, और उस समय बनाया जब ये देश भयंकर संकट ग्रस्त था, भयंकर संकट से गुजर रहा था, जब लोगों को वैक्सीन, लोगों को मेडिकल इक्विपमेंट्स, दवाइयां, हजारों लोग मर रहे थे, और उसी दिल्ली के अंदर जानते हैं कोरोना काल में इसी के नेता, इसी के विधायक, इसी के मंत्री ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि केंद्र सरकार कुछ करे। इसका मोहल्ला क्लिनिक तब कहां गया था जब इसने जो हर मोहल्ले में क्लिनिक खोल करके पूरे दुनिया में ढिंढोरा, पूरे भारत के कोने कोने में ढिंढोरा पीटता है कि सबसे अच्छा क्लिनिक हमारे पास है, सबसे अच्छी मेडिकल सुविधा हमारे पास है, जिसमें अब शायद पैरासीटामोल की टेबलेट भी मिलनी बंद हो गई। ये इस तरीके के जितनी भी योजनाएं चलाया था उसके पीछे एकमात्र लक्ष्य था कि जो इसके 500 रुपए वाले कार्यकर्ता हैं उनको बराबर कहीं ना कहीं इंगेज कर दिया जाए, कुछ न कुछ उनको 10-20 हजार रुपए महीने का इंतजाम कर दिया जाए कि मेरा जिंदाबाद जिंदाबाद कहते रहे। इसलिए किया था। सवाल तो उठेगा ही और सवाल उठना ही चाहिए। जो चीजें सत्ता में बोल करके आए थे, जिसे भाजपा कही थी हम 370 हटाएंगे, तो 370 जब तक नहीं हटा था भाजपा से पूछा जाता था, मंदिर जब तक नहीं बना था भाजपा से पूछा जाता था कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। यूसीसी की बात भाजपा ने उठाई थी तो आज भी उठ रही है कि यूसीसी कब लागू करोगे, एनआरसी कब लागू करोगे। तो तुम जो चीज सत्ता में बोल करके आए हो अगर उसके विपरीत काम करोगे, एकदम उल्टा काम करोगे, तो तुमसे भी सवाल पूछा जाएगा। नटवर लाल का ये तो इतना गंदा व्यक्ति है कि मतलब पूछिए ही मत। और इसके पार्टी के प्रवक्ता, इसके पार्टी के लोग इतने मतलब इतने बेशर्म है कि हर बात को डिफेंड करने चले जाते रोज इसके कारनामे इसके पार्टी के खुल करके आ रहे हैं। 10 साल नहीं हुआ, सब रूप देख लिया लोगों ने इसकी पार्टी का, सब रूप, देश के विरोध में चीजें और उस तरीके के लोगों को पालना पोषना और शराब जैसा घोटाला करना और अन्य अन्य तरीके के घोटाले करना सब देख लिया। आज ये 25 गाड़ी के काफिले से चलता है, जो कभी कहता था कि एक गाड़ी की जरूरत है जी, हम सिक्योरिटी तक नहीं लेंगे जी, जाके देखिए कितनी सिक्योरिटी है। अभी गया था कुछ दिन पहले गुजरात चुनाव में, तो एक ऑटो में बैठ करके पुलिस वालों से कह रहा है कि तुम लोग जाओ, मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। जबकि एक मुख्यमंत्री किसी दूसरे प्रदेश में जाता है तो उसको प्रोटोकॉल के तहत सिक्योरिटी दी जाती है कि कल के लिए अगर कोई मान लीजिए इसी ने अपने ही आदमी से हमला करवा लिया, क्योंकि ये पहले स्याही जूता उता अपने ऊपर फिकवाता ही रहता था, अपने से ही हमला करवा लिया, तो ये हो जाए कि गुजरात में एक दूसरे प्रदेश का गया हुआ मुख्यमंत्री भी सेफ नहीं, या एक सेंटिमेंट बना दे केजरीवाल को मारने की कोशिश हो रही है, क्योंकि केजरीवाल इतना बड़ा आदमी है, क्योंकि आए दिन देखते थे जूता खा लेता था, थप्पड़ खा लेता था, स्याही फेंकवा लेता था अपने ऊपर, कहता था कि लोग मुझसे इतने डर गए हैं कि मैं इतना साधारण आदमी हूं कि मुझको डराना चाहते हैं, मुझको मारना चाहते हैं। इसके पार्टी के प्रवक्ता आकर के टीवी पे बैठ करके कहते थे इस बार। तो ये जो चरित्र है इस व्यक्ति का, वो चरित्र उजागर हो रहा है। बहुत लंबे समय तक ये सब चीजें नहीं चलती हैं, दो अर्थी चीजें, डबल स्टैंडर्ड डबल मीनिंग। सोचिए कितनी शर्म आई होगी जब विदेशी डेलीगेट्स आया होगा, एक साधारण सा चप्पल पहन करके 100 रुपए की और 200 रुपए की टी शर्ट और 300 रुपए की पैंट पहन करके जब उस समारोह में गया होगा, तो व्यक्ति यही सोचा होगा ना कि दिल्ली का एक मुख्यमंत्री जिसकी इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो ढंग के कपड़े पहन ले। कपड़े पहनना कपड़े ना पहनना एक व्यक्तिगत च्वाइस होती है, लेकिन कम से कम जब आप किसी दूसरे के यहां जा रहे हो और आप एक मुख्यमंत्री दिल्ली के 3.5 करोड़ जनता के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जा रहे हो, तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप क्या पहन के जा रहे हो, कैसे उठ रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, कैसे हाथ मिला रहे हो। तो ये है नटवर लाल की एक और कहानी, दो कमरे से 45 करोड़ के रिनोवेशन तक की। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो अधिक से अधिक लोगों तक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कंट्रीब्यूट करिएगा अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इस चैनल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे सुना। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।